हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अबा खत्री आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है आम्रखंड, या इसे हम मैंगो श्रीखंड भी बोल सकते हैं, जो बनाने में बहुत ही इजी है, घर पे बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम सामग्री में रेडी होता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम बनाते हैं वेरी टेस्टी आम्रखंड या मैंगो श्रीखंड। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो श्रीखंड। उसके लिए हमें चाहिए मैंगो का पल्प। मैंने 2 मैंगो का पल्प निकाल लिया है, इसमें मैंने शुगर अभी ऐड नहीं की है। फिर मैंने हंकड़ लिया है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा टाइट है। इसे मैंने कपड़े में बांध के 2 घंटे के लिए रख दिया था कर्ड को। हमें श्रीखंड बनाने के लिए इसी तरह का टाइट एकदम चाहिए कर्ड। फिर मैंने पाउडर शुगर लिया है 1 बाउल, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है आपको। और कुछ ड्राई फ्रूट लिया है मैंने, काजू और बादाम। अब सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें कर्ड डाल देंगे, इसे एकदम सॉफ्ट कर लेंगे हम। इसी टाइम पे इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। मैंगो का पल्प और कर्ड दोनों के हिस्से की शुगर हमें ऐड करनी है। जैसे हम इसमें शुगर डालेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इसे अच्छा सा मिक्स दे देना है। एक आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ये सॉफ्ट होता जा रहा है। अब हमें एक विस्क की हेल्प से इसे फेंट लेना है, थोड़ा सा हल्का सा ही मिक्स देना है जिससे एकदम स्मूथ हो जाए। जैसे जैसे मैं इसे फेंट रही हूँ आप देख सकते हैं स्मूथ हो रहा है और शुगर भी मेल्ट हो रही है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे सिर्फ 1 मिनट फेंटा है और ये कितना अच्छा हो गया, एकदम श्रीखंड की तरह इसकी सॉफ्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब इस टाइम पे इसमें हम मैंगो का पल्प ऐड कर देंगे, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंगो श्रीखंड है तो इसमें अच्छा ऐड करना है हमें। मैंने 3 टेबल स्पून करा है। इसे पहले हम मिक्स कर लेंगे, फिर हम देख लेंगे ज़रूरत और होगी तो हम और कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं मिक्स करते करते इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इस स्टेज पे इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें, बिल्कुल मार्केट जैसा इसमें कलर आ चुका है आप देख सकते हैं श्रीखंड का। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, काजू और बादाम ऐड कर दिए मैंने। फिर से मिक्स कर देंगे इसे। अब श्रीखंड तो चिल्ड अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे 1 घंटा रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी और फिर इसे मैं सर्व कर लूंगी। तो मैंने श्रीखंड को 1 घंटा चिल्ड करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो हमारा सुपर टेस्टी और चिल्ड मैंगो श्रीखंड रेडी है। अगर आपको मेरे ये मैंगो श्रीखंड की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पेज को और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।